स्वागत है आप सभी का द एंगल पर। मैं आपके साथ दिव्या राठौर। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। आर्टिकल 370 पर पाकिस्तान की बौखलाहट आई सामने। पाक राष्ट्रपति ने कहा, कश्मीरी और पाकिस्तानी एक, हम कश्मीर के लोगों के साथ। ओवैसी का केंद्र सरकार पर हमला, कहा सरकार को कश्मीर से नहीं कश्मीरियों की जमीन से प्यार। घाटी में इमरजेंसी जैसे हालात। संस्कृत दिवस पर जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संस्कृत सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की शिरकत। आरएसएस और भाजपा को लिया आड़े हाथों। सीएम अशोक गहलोत की प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील। प्रदेशवासियों को दी स्वाधीनता दिवस की शुभकामनाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि विश्व व्यापार संगठन को विकासशील देशों की नई परिभाषा गढ़ने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन एशिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, इसलिए अब उन्हें विकासशील नहीं माना जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ही देशों में को WTO से मिलने वाले लाभ बंद हो जाने चाहिए। उल्लेखनीय है कि ट्रंप भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाई जाने वाले आयात दरों और शुल्क की हमेशा मुखालफत करते रहे हैं। बकौल ट्रंप, भारत के इस रवैये की वजह से अमेरिका फर्स्ट की नीति भी प्रभावित हो रही है। गौरतलब है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ट्रंप के चीनी वस्तुओं पर दंडात्मक शुल्क लगाने के बाद चीन ने भी जवाबी कदम उठाया है। आर्टिकल 370 हटाए जाने पर पाकिस्तान की बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है। पाक पीएम और विदेश मंत्री के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर और पाकिस्तानी एक है। अलवी ने यह भी कहा कि उनका देश और देश के नागरिक कश्मीर के लोगों के साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान के 73वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित मुख्य समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने पर भारत सरकार के फैसले के खिलाफ जमकर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि नई दिल्ली के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का रुख करेगा। AIMIM चीफ अजदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के बहाने से एक बार फिर से केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। ओवैसी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें सिर्फ कश्मीरियों की जमीन से प्यार है, उनसे नहीं। ओवैसी ने दो टुक कहा कि फिलहाल घाटी में इमरजेंसी जैसे हालात है। उन्होंने साथ ही कहा कि देश में अभी कई गॉडसे की औलादे हैं और कोई इन्हें गोली मार सकता है। इस दौरान ओवैसी ने तमिल सुपरस्टार रजनीकांत के बहाने भी पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 के लिए तमिलनाडु के अभिनेता रजनीकांत पीएम मोदी और अमित शाह को कृष्ण और अर्जुन कह रहे थे। ऐसी स्थिति में कौरव और पांडव कौन है? क्या आप देश में एक और महाभारत कराना चाहते हैं? जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के फैसले को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने समय की मांग बताया है। उन्होंने कहा कि देश की अखंडता और एकता के लिए यह जरूरी था। वेंकैया नायडू ने कहा कि यह सांप्रदायिक नहीं बल्कि देश की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम था। चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए वेंकैया नायडू ने कहा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करना देश की एकता और अखंडता के लिए समय की मांग थी। जम्मू कश्मीर का भारत में विलय अटल सत्य है। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था। हम किसी को भी भारत के आंतरिक मामलों में दखल करने नहीं देंगे। जम्मू कश्मीर के वर्तमान हालात सामान्य है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था मुनीर खान ने कहा कि कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। श्रीनगर जिले और अन्य जिलों के विभिन्न हिस्सों में स्थानीय स्तर पर कुछ घटनाएं हुई थी, लेकिन इनमें कोई हताहत नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब कानून और व्यवस्था को लेकर कोई नई स्थिति उत्पन्न होती है तो पड़ोसी राज्यों सहित विपक्षी पार्टियां प्रोपोगंडा फैलाती हैं, जिनका मुख्य मकसद माहौल खराब करना होता है। वायरल हो रहे कुछ वीडियो को लेकर उन्होंने कहा कि यह 2016 और 2010 के वीडियो अब वायरल हो रहे हैं। यह उन्हीं लोगों के प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। हम इन प्रयासों को विफल करने के लिए सभी उपाय कर रहे हैं। IAS नेता बने शाह फैसल को देश के बाहर जाने से रोक दिया गया है। उन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से ही वापस श्रीनगर भेज दिया गया। फैसल जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स मूवमेंट के नेता है। वह विदेश जाने के लिए दिल्ली से फ्लाइट लेने वाले थे, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसरों ने उन्हें पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लेकर श्रीनगर वापस रवाना कर दिया। दरअसल शाह फैसल जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाने और राज्य को दो भागों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट कर उन्हें केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए जाने के फैसले के बाद से ही आग उगल रहे हैं। उन्होंने व्यक्तिगत बयान देने के साथ साथ मीडिया में भी बेहद भड़काऊ बयान दिए। ऐसे में सरकार को उनकी गतिविधियों पर नजर रखने और उनकी आवाजाही सीमित रखने की जरूरत महसूस हुई।
राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले की सुनवाई जारी है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन रामलला विराजमान के वकील ने कहा कि हिंदुओं का विश्वास है कि अयोध्या भगवान राम का जन्मस्थान है और न्यायालय को इसके तर्कसंगत होने की जांच के लिए इसके आगे नहीं जाना चाहिए। वकील ने कहा कि यह हिंदुओं की आस्था है कि भगवान राम का जन्म विवादित ढांचे वाले स्थान पर हुआ था। रामलला विराजमान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथ ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5-बेंच सदस्यीय संविधान पीठ से कहा कि पुराणों के अनुसार हिंदुओं का यह विश्वास है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था। न्यायालय को यह नहीं देखना चाहिए कि यह कितना तर्कसंगत है। राहुल गांधी ने कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का ट्वीट कर जवाब दिया है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में राज्यपाल मलिक को मालिक का संबोधन देते हुए कहा, मैं जम्मू कश्मीर आने के आपके निमंत्रण को स्वीकार करता हूं। मैं वहां आकर लोगों से मिलना चाहता हूं। आप बताएं मैं कब आ सकता हूं। इससे पहले राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने कहा था कि वह कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए एक विमान भेजेंगे ताकि वह घाटी का दौरा कर यहाँ की जमीनी हकीकत को जान लें। पुलवामा आतंकी हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक को अंजाम देने वालों को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार सेना के 5 पायलटों को मिलेगा। गौरतलब है कि बालाकोट के बाद पाकिस्तान के F-16 विमान को मार गिराने वाले विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को वीर चक्र और स्क्वाड्रन लीडर मिंटी अग्रवाल को युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जाएगा। आम लोगों के लिए राहत की खबर है। पिछले 2 साल से अधिक समय से चली आ रही थोक महंगाई पर कुछ लगाम लगी है। जुलाई महीने में थोक महंगाई पर पिछले 25 माह के निचले स्तर पर पहुंच गई है। उपभोक्ता वस्तुओं से लेकर सब्जियों और अन्य खाद्य पदार्थों की कीमत में कमी आई है। जुलाई में थोक महंगाई दर 1.08% पर पहुँच गई, जो कि जून माह में 2.02% थी। जुलाई में खाने पीने की चीज़ों की थोक महंगाई पर 5.4% से घटकर 4.54% रही है। वहीं प्राइमरी आर्टिकल्स की थोक महंगाई मई के 6.72% से घटकर 5.03% पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों से जयपुर में कुछ सांप्रदायिक तत्व राजनीतिक उद्देश्य के कारण इस अमन चैन को भंग करने का निंदनीय प्रयास कर रहे हैं तथा समुदायों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न कर प्रदेश में अशांति फैलाना चाहते हैं, कौमी एकता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, कोई कोई षड्यंत्र है, इस कारण से लोग भड़का रहे हैं और इस प्रकार का माहौल बना दिया है। कल रात को 40 जगह से टेलीफोन आ रहे हैं कि यहाँ पर बहुत तनाव है, लोग इकट्ठे हो गए, अफवाह फैलाई गई। उसके बाद में करीब 15-20-25 जगह पर लोग इकट्ठे हो गए तो अफवाहों से 5-7 जगह पर पत्थरबाजी कर दी। तो ये कोई न कोई षड्यंत्र है, यहाँ के आम जनता को, आम लोगों को समझना चाहिए किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार नहीं हो। जयपुर में और राजस्थान में प्रेम, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भाव कायम रहे पूरे प्रदेश के अंदर, और ऐसे लोग जो पीछे छिप कर के इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं उनको सरकार सबक सिखाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। यहाँ ना कोई धर्म ना जाति बीच में आएगी, यहाँ तो जो कानून को तोड़ेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये हमारा मानना है। मैं अपील करना चाहूँगा जो लोग जयपुर के वासी हैं, पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से ये माहौल बनाया गया है वो समझने का प्रयास करें, शांति बनाए रखें। सरकार उनके साथ में हमेशा खड़ी मिलेगी, उनको न्याय मिलेगा और जो षड्यंत्र करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस एवं विद्वत सम्मान समारोह जयपुर के रविन्द्र मंच पर आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय संस्कृत दिवस पर संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले विद्वानों को सम्मानित किया। आशुकवि पंडित रामस्वरूप दोतोलिया को संस्कृत साधना शिखर सम्मान प्रदान किया गया। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, संस्कृत शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग, प्रमुख शिक्षा सचिव आर वेंकटेश्वरन, संस्कृत शिक्षा निदेशक हरजी लाल अटल मौजूद रहे। संस्कृत के बारे में बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ कहा जाता रहा है आज तक।
और पूरा देश इस बात को मानता है, पूरा विश्व मानता है। जिस रूप में ये भाषा जो है, कई भाषाओं की जननी है, दुनिया भर के कई भाषाओं की जननी के रूप में भी इसको मान्यता प्राप्त है। और हर हिंदुस्तानी को गर्व होता है कि संस्कृत जैसी भाषा जिसका उद्गम हमारे मुल्क में हुआ और दुनिया की कई भाषाओं की जननी बन गई, और कंप्यूटर से जोड़ते हैं और भी गर्व होता है। किस प्रकार से अभी वैद्य साहब बता रहे थे कि बाहर ऊपर प्रदर्शनी लगी हुई है, आपने देखी होगी, जिन्होंने देखी उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो अभी से देख के जाएँ। ये ठीक कहा उन्होंने कि मानसून के बारे में भी संस्कृत की भावना के अनुरूप किस प्रकार से प्रोडक्शन किए जाते रहे हैं। इतनी रिच भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, इतनी संदेश देने वाली भाषा है, इतनी ज्ञान देने वाली भाषा है, इतनी व्यवहार कुशल भाषा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जयपुर आए। नायडू ने जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित दूसरे भैरव सिंह शेखावत स्मृति व्याख्यानमाला कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर सीपी जोशी भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह की स्मृति में उनके परिवार की ओर से आयोजित किया जाता है। कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भैरव सिंह शेखावत को महान व्यक्तित्व का धनी बताया। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश में सुरक्षा को लेकर खास इंतजाम किए हैं। महानिदेशक पुलिस भूपेंद्र सिंह ने पुलिस मुख्यालय में मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि स्थानीय स्तर पर छोटी घटनाओं के कारण शहर के कुछ क्षेत्रों में माहौल तनावपूर्ण हुआ, अब स्थिति नियंत्रण में है। महानिदेशक पुलिस ने इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए अफवाहों पर ध्यान नहीं देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रकरण में 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं और 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दुर्भाग्य से जयपुर शहर में पिछले 2 दिनों से या 3 दिन से कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं शाम के समय, खासकर रात के समय, जिनके कारण से कुछ अशांति का माहौल बनता प्रतीत हुआ। अपने आप में कोई एक घटना, कोई महत्वपूर्ण घटना ऐसी हुई हो या बहुत बड़ा कोई अपराध इसमें घटित हो, इस तरह का जो कारण बना हो इस अशांति का, ऐसा नहीं है। किंतु तीनों दिनों एक पैटर्न दिखा है हमें कि कोई एक छोटी घटना, कोई एक इंसिडेंट बढ़ते बढ़ते समुदाय में, एक पूरे एरिया में, वर्ल्ड सिटी में खास तौर पर भ्रम फैलाए जाने के कारण से, अफवाहों के कारण से एक तनाव की स्थिति बना देता है। उस तनाव के कारण एक ऐसा भय व्याप्त हो जाता है लगभग सभी में, और रात के समय बड़े पैनिक कॉल शुरू हो जाते हैं। सब अनिश्चितता की स्थिति में लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं राजस्थान पुलिस की ओर से शहर के सभी नागरिकों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी घटनाएं थी, स्थानीय तौर पर, स्थानीय स्तर की घटनाएं थी, छोटी घटनाएं थी, जिनके कारण कुछ समय के लिए माहौल बिगड़ा था, मुझे उम्मीद है वहाँ आपके, हमारे यहाँ के नागरिकों के सहयोग से इस तरह का आगे घटना नहीं होगी, इस प्रकार का तनाव नहीं बनेगा। उसके लिए जयपुर पुलिस ने सभी एहतियातन जो कदम उन्हें उठाने चाहिए थे उठाए हैं। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द एंगल के साथ। फ्री का ज्ञान ना बकवास, बस हर खबर पर आपका एंगल, तभी तो नंबर 1 है द एंगल। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट चिपकाइए।